Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं मुकादम गोट फार्म पे. हमारे साथ है विजय भाई और इस वीडियो में हम लोग इनके जो ये फार्म है इसके बारे में कुछ बात करेंगे. ठीक है, ये फार्म इनको रेंट आउट करना है. ठीक है, सो देखते हैं क्या कुछ फैसिलिटी ये दे रहे हैं और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो वीडियो पूरा देखिएगा. वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले. शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा मेल, या डीएम करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर विजय भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. नमस्ते विजय भाई. नमस्ते भाई. विजय भाई, ये फार्म अपने को रेंट आउट करना है. रेंट आउट करने हैं. तो क्या क्या मतलब हम लोग फार्म के साथ में देने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे. कस्टमर जो आएगा, जो क्लाइंट आएगा, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देने वाले हो उसके बारे में बात करेंगे. फिर बाद में रेंट वगैरह की भी बात करेंगे. ठीक है, अंदर चलते. पहले तो ये बताओ कितने स्क्वायर फुट का एरिया है ये. ये अप्रोक्स 2000 के ऊपर जाएगा. 2000 ये वाला की ये दोनों मिला के और जो है स्टोरेज भी है वो मिला के. स्टोर रूम इसको और इसको मिला के 2000 प्लस जाएगा. 2000 प्लस जाएगा. ठीक है, थोड़ा अंदर चलते हैं. हाँ आओ देखो. देखो ये लाइट्स, फैन वगैरह जो भी लगे वो सब रहेंगे ऐसे ही. ये ऐसे ही रहेंगे. ओके, कुछ मूव आउट नहीं होने वाला है. जैसा है वैसे, जैसा है वैसे के वैसे ही सामने वाले को मिलेगा. लाइट वगैरह सब लगा हुआ है. पर्सनल मीटर है यहाँ का. पर्सनल मीटर है यार. टोरेंट पावर? नहीं, टोरेंट नहीं है, मार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है. ओके ओके, मतलब गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट का. तो मतलब बिल भी बहुत अच्छा कम आता होगा. हाँ है ना, चाहिए. और बोरिंग वगैरह की हुई है अपने? नहीं, अपने कुआ है. हाँ, कुएं का मोटर लगा हुआ है. ओके, तो अपन बटन चालू करेंगे पानी आ जाए. पानी 24 घंटा है. पानी 24 घंटा. ठीक है. ये केज कितने बने हैं यहाँ पे इसमें? ये चार केज है छोटे वाले. ओके, एक दो तीन चार. और एक छोटा है जो छोटा बच्चों के लिए. बच्चों के लिए. हाँ, जो 5 महीने के ऊपर के बच्चे रहेंगे उनके लिए. 5 से 10 तक के उसमें रहेंगे. ओके, और एक सेपरेट केज है. एक केज है ये जगह है. ये जगह है बकरियों के लिए. बकरियां जो भी रखना है वो रख सकता है. मैंने मेंढे रखे थे इसमें. ओके ओके, ये अभी जगह खुली हुई है तो मैंने वो बकरी बांधी. और इसका पैर तो आपके सामने टूटा है. ये तो मेरे सामने भी बकरी बिचारी, बहुत अच्छी बकरी थी. ये सेल के लिए थी. सेल के लिए वीडियो में निकालने वाले थे लेकिन इसने अपने पैर तोड़ के ले ली. मेरे सामने हो गया एक हादसा. और यहाँ पे बच्चों के लिए? ये बच्चों के लिए है. हमारे जो है ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से इधर रहता है. ये फोकस भी लगाए हुए है. ओके, सामने वाला, हाँ सामने वाला बंदा और एक्सटेंड करना चाहेगा तो भी कर सकते हैं. 5 फोकस लगे हुए हैं. अच्छा, वो जो आगे चल के यूज करना चाहे तो कर सकते हैं. जो ठंड के टाइम पे मोस्टली यूज होते हैं. अभी मैंने वो बंद कर दिया फरवरी के फर्स्ट वीक से. फिर वो 1 तारीख से मैं वो गर्मी का वो बंद कर देता. ठीक है, चलेगा. अपन थोड़ा वो वाले साइड का भी एक वो दिखा दे. ये वाला पहला दिखा दे. ये बड़ा सेक्शन है. ओके, ये एक बड़ा मतलब बड़ा एरिया है. जो सामने वाला बंदा उसके हिसाब से डिजाइन करेगा ना तो भी मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलेगा. तो यहाँ पे आप अगर कोई फार्म लेकर चलाने के लिए देख रहे हैं तो खूटे वाला सिस्टम यहाँ कर सकते हैं. ओपन जगह. हाँ, ओपन जगह है. और जो बाकड़े वो बाहर निकाल सकते. इसमें खस्सी रख सकते हो आराम से. और वहाँ पे साइड में जो है केज भी बने. 10 केज है अंडुल के लिए, वो बता देते हैं. ठीक है, तो केज भी बने हुए हैं. केज दिखा देते हैं. फीडर लगे हुए हैं सब में. ठीक है, जो चीज़ जैसी है ऐसी ही रहेगी. एज इट इज़ उसमें कुछ ये बारदान भी उसको मिलेगा. जो बकरियाँ जनेगी ना तो बकरों बच्चों के लिए वो देना पड़ता है. ओके, तो वो भी अपन लेके नहीं जाएंगे, वो भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ये दिखा देते हैं. फिर उसके बाद फीड रूम दिखाते हैं. ये देखो कांटा जो रखा है ये भी यूज़ में ले. ये भी यूज़ में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसको थोड़ा सा बैटरी का इश्यू है. वो सामने वाला बंदा बनाएगा उसका जो भी चार्जेस रहेगा. जो एंड ऑफ द डे जो हैंडओवर रहेगा ना मेरे को तो जो भी रहेगा वो डेबिट वो कर लेंगे. ठीक है, केजेस बने हुए 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 केज है. 10 केज है. 9 केज छोटे है जो मतलब ये साइज है, और जो है बड़ा है वो ये साइज है. ये बीच वाला बड़ा है क्या? नहीं नहीं, बीच वाला नहीं, एंड वाला बड़ा है. ये पर्दा थोड़ा वेंटिलेशन के हिसाब से मैंने नीचे किया है. ओके, लास्ट वाला केज. लास्ट वाला केज. हाँ ठीक है,
चलेगा। ये देखो ये जो है लास्ट वाला जो है वो बड़ा है, ओके ठीक है। और ये वगैरह पालने का शौक है तो ये फिर आपके लिए यहाँ पे ये भी है, अगर सामने वाले को असील का शौक करना रहेगा असील का तो इसमें कर सकता है। अगर ये नहीं चाहिए तो हटा सकते हो उसको, मेरे को सिर्फ डिसमेंटल करके ही देने का है सामने वाले, ठीक है। वो मेरा मैं वो प्रॉपर्टी एक जगह पे मेरे जमा करके रखेगा, ठीक है चलेगा। अभी आ जाओ अपन इसका फीडर रूम दिखाते हैं भाई, बाहर का ये एरिया प्ले एरिया है, आप खूटा वूटा डाल के अपने बकरे बाहर निकाल कर रख सकते हो आराम से। दिन में एक आध बार अगर आपको बाहर निकालना है फीड अगर आपको बाहर करनी है तो देखो जैसे ये करते हैं वैसे आप भी कर सकते हो। अच्छा ये फीड रूम है? हाँ ये फीड रूम है, ओके। ये मशीन यूज़ कर सकते हैं क्या आराम कटिंग के लिए, है ना, खुट्टी वगैरह के लिए, ठीक है। ये एक हो गया फीड रूम, ये फीड रूम। स्टाफ के लिए रूम नहीं है अपने यहाँ? स्टाफ के लिए रूम नहीं है तो इसमें एक पार्टीशन करके थोड़ा सा जो जो सामने वाले के बंदे के साथ में जो भी बातचीत होगी वो हिसाब से वो बंदे के लिए स्टाफ रूम जो है स्टाफ का रूम बनाएगा, और जो संडास बाथरूम जो भी रहेगा वो फैसिलिटी उसमें वो करके दे देंगे। आप करके दोगे अपने साइड? हाँ मैं मेरे तरफ से देख करके देगा, ठीक है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा लेके नहीं जा पाएगा ना, वो तो इधर ही रह जाएगा। हाँ वो तो इधर रह जाएगा, ठीक है। या तो आपके खुद के यहाँ पे इतने सारे रेंट पे रूम है वो भी एक आध रेंट पे चला देना, वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है ना। सो क्या डिपॉजिट लेंगे अपन? डिपॉजिट मतलब अगर 11 महीने का अपना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और पूरा का पूरा पेमेंट अगर एक साथ करने वाला बंदा रहेगा तो भी अपन थोड़ा बहुत कर लेंगे, नहीं तो 25,000 डिपॉजिट लेंगे। नहीं नहीं ये अपना पर मंथ रहेगा, ओके नो डिपॉजिट रहेगा, डिपॉजिट नहीं रहेगा, डिपॉजिट रहेगा 3 महीने का 75,000 रुपया, 3 महीने का एडवांस डिपॉजिट रहेगा। हाँ या तो पूरे साल का भाड़ा दे दो, हाँ तो डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं, या फिर अगर मंथली भाड़ा देना है तो 75,000 डिपॉजिट, 3 महीने का जो भाड़ा रुपये भाड़ा है ना। हाँ हाईवे से अपना ये लोकेशन कितना अंदर आता है? मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का रहता है रास्ता लगता है, एक 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर नहीं है कम है, हाँ 1.5 किलोमीटर के आसपास का पिंपलास गाँव है, पिंपलास गाँव है ना, भिवंडी बाईपास है उधर से 4.5 किलोमीटर रहेगा अपना एग्जैक्ट लोकेशन, अपना एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है चलेगा। ये इसके साथ में एक तो मतलब जो रेंट पे लेगा उसके लिए बेनिफिट है रहेगा कि अपने पास में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है कुछ 25,000 के आसपास का रेंट जो है पलाई का है, कुछ 4 बकरे है 7-8 बकरियां है तो उनका मिला के 25,000 के आसपास का अमाउंट जो आता है वो पलाई का उसका जगह पे है रेडी है। अच्छा मतलब वो कस्टमर उधर कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ कन्वर्ट कर देंगे आप, ठीक है, कस्टमर से बात करके सामने वाले बंदे को वो उसको हैंड ओवर कर देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो गाइज ये प्रॉपर्टी इनको रेंट आउट करनी है और सारी चीज़ें हमने बता दी आपको, ठीक है। आप लोग आओ पहले एक्सप्लोर कर लो, सारी चीज़ों की फैसिलिटी दे रहे हैं ये और हर एक चीज़ में फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल दिक्कत नहीं है। आप आओ इनसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है डिस्कस करो, पेपर वर्क करो, इंशाल्लाह ये आपके साथ सारी चीज़ों में कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।